बड़ौदा उपचुनाव की जीत में बेहतर भविष्य देख रही है कांग्रेस। दीपेंद्र हुड्डा बोले, 10 साल के कामकाज पर लोगों ने दिया वोट, बड़े गठबंधन और सिलेंडर बांटने वालों से था मुकाबला। लव जिहाद के संभावित कानून पर अभय चौटाला ने बोला है कि जिन्होंने खुद प्यार नहीं किया वही कानून बनाने की बात करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जात पात और धर्म को पीछे रखकर भाईचारे की बात करते हैं। अनिल विज ने कांग्रेस पर गठबंधन को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विभाजन के वक्त देश को बांटा, लेकिन अब बीजेपी कांग्रेस को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी। बीस नवंबर से कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल शुरू होगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि वैक्सीन के ट्रायल के लिए पहला वॉलंटियर बनने का प्रस्ताव रखा गया। जींद में स्कूलों में 11 छात्र और 8 टीचर्स सहित 66 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसके बाद जिले में अब कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3534 हो गई है। 339 केस एक्टिव हैं। अंबाला में अब तक लगभग 1 करोड़ रुपए मास्क नहीं पहनने पर लोगों से वसूले जा चुके हैं। लोगों ने प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई करने के आरोप लगाए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में अब लॉकडाउन नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि कुछ व्यस्त इलाकों में स्थानीय स्तर पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। सत्येंद्र जैन ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा कोविड टेस्ट हो रहे हैं, जरूरत के हिसाब से आगे उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हॉटस्पॉट इलाकों में डोर टू डोर सर्वे करने का प्लान बना लिया। इसके साथ ही एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को हर 5 दिन में टेस्ट के लिए जाना होगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए नोएडा में भी प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी ने कोरोना से निपटने के लिए ठोस प्लान बनाया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि सरकार ने जो घोषणाएं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर की हैं, नवनिर्वाचित विधायक इंदुराज नरवाल सीएम से मिलेंगे और उन्हें जल्द पूरा करने की मांग करेंगे। साथ ही दीपेंद्र ने कहा है कि जो प्रदेश कई अलग अलग सेक्टर में नंबर एक पर था, वहीं प्रदेश आज बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार में नंबर 1। अभय चौटाला ने कहा कि सिरसा के कई गांव में मूंगफली की खेती होगी। मूंगफली का दाम 5000 रुपए के पास रखा गया है। फतेहाबाद में हॉस्पिटल के बाहर सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों ने धरना दिया है। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि 1.5 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। साइबर सिटी गुरुग्राम में लेबर कॉन्ट्रैक्ट का काम करने वाली एक निजी कंपनी में 7 करोड़ की हेराफेरी का मामला सामने आया है। कंपनी के अकाउंट एग्जीक्यूटिव पर आरोप लग रहे हैं। नूह में टीचर्स की कमी से जूझ रहे शिक्षा विभाग के तकरीबन 465 से ज्यादा टीचर्स का तबादला पिछले 2 दिनों में हो चुका है। सिर्फ 22 टीचर्स जिले में तबादला होकर आए। भिवानी में राजीव कॉलोनी के निवासियों ने अवैध शराब की बिक्री और शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी से मुलाकात की और अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। करनाल में चाइल्ड लेबर और भीख मांगने वाले बच्चों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है। कुछ दुकानदार और फैक्ट्री संचालक लगातार छोटे बच्चों से काम करवा रहे हैं। करनाल में चोरी की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही है। गौशाला रोड पर एक बारदाने की दुकान से चोरों ने नकदी चुराई और फरार हो गए। सिरसा के कई गांवों के ग्रामीणों को स्वामित्व योजना का लाभ मिल रहा है। स्वामित्व योजना के तहत जिला उपायुक्त ने गांव मेमरा कला से ड्रोन से किए जा रहे सर्वे का निरीक्षण किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने ट्वीट किया है कि बैंक मुसीबत में है और जीडीपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की और उन्हें जीत की बधाई दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कपिल सिब्बल पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग कांग्रेस की उपेक्षा कर रहे हैं उन्हें शर्मनाक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। आरबीआई ने महाराष्ट्र के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर पैसों के भुगतान और कर्ज के लेन देन को लेकर 6 महीने के लिए पाबंदी लगा दी है। ये बैंक आरबीआई की इजाजत के बिना कोई कर्ज या उधार नहीं दे सकेगा। नहाए खाए के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व। पंचकुला में बड़े स्तर पर त्यौहार मनाने की अनुमति नहीं, डीसी का आदेश। कोरोना के चलते घर पर ही मनाए त्यौहार। पंचकुला में कोरोना के चलते इस बार बड़े स्तर पर छठ पर्व के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है। डीसी ने निर्देश दिए हैं कि लोग अपने घरों में ही छठ का त्यौहार मनाएं।
कुरुक्षेत्र जिला प्रशासन ने धार्मिक संस्थाओं के अनुरोध पर ब्रह्म सरोवर पर करीब 100 लोगों को छठ पूजा पाठ करने की अनुमति दी।